क्रीमी व्हाइट ग्रेवी और उसमें सॉफ्ट जूसी मटन। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मटन की ग्रेवी, व्हाइट मटन कोरमा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं मटन। यहाँ पर मैंने लिया है 750 ग्राम मटन। इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 कप भरकर डाल देंगे इसमें दही, 1 बड़ा चम्मच भरकर डालते हैं हरी मिर्चों का पेस्ट या फिर आप क्रश की हुई हरी मिर्च भी ले सकते हैं, 1 चम्मच भर के डाल देते हैं सफेद मिर्चों का पाउडर। काली मिर्चों का पाउडर अगर आप डालेंगे तो ग्रेवी थोड़ी ग्रे कलर की हो जाएगी। नमक डाल देते हैं इसमें 1.5 चम्मच भरकर, और अब सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसे हम रख देंगे फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए मिनिमम 2 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे इसी तरह से भी पका सकते हैं। अब गैस ऑन करने से पहले हम बना लेते हैं एक व्हाइट पेस्ट। तो ग्राइंडिंग जार में डालेंगे 12 से 15 भिगोकर छिले हुए बादाम, 12 से 15 डाल देते हैं भिगोए हुए काजू, 2 बड़े चम्मच भरकर भिगोए हुए 4 मगज है इसे डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर अगर हम डालेंगे तो ग्रेवी और ज्यादा क्रीमी बनेगी। 1/4 कप डाल देते हैं इसमें पानी, आप चाहें तो इसमें दूध डालकर भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा व्हाइट पेस्ट बनकर रेडी है, इसे हमें ग्रेवी में डालना है। इसे साइड में रख देते हैं। अब प्रेशर कुकर को रख लिया है मैंने मीडियम फ्लेम पर। इसमें डाल देंगे 1/2 कप भरकर तेल, कुछ खड़े मसाले डालेंगे इसमें, 1 इंच की दालचीनी का टुकड़ा, 1 बादियान का फूल, 6 हरी इलायची, 1 काली बड़ी इलायची, 6 से 7 लौंग और 2 तेजपत्ता। खड़े मसालों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे तेल में और फिर इसमें हम डाल देते हैं 2 मीडियम साइज की प्याज बारीक चॉप की हुई। प्याज डालने के बाद हम प्याज को फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। प्याज जैसे ही सॉफ्ट हो जाए और इसमें गुलाबी कलर आ जाए बस तब हमें डाल देना है मैरिनेट किया हुआ मटन। मटन डालने के बाद हम मटन को पहले अच्छी तरह से पका लेंगे 6 से 7 मिनट के लिए। जैसे ही इसका पानी सूख जाए हमें मटन को अच्छी तरह से भून लेना है। तेल सेपरेट हो जाए बस तब तक हमें इस मटन को भूनना है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप भरकर पानी। मिक्स कर लेते हैं सभी चीजों को। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा लेंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेते हैं 30 से 35 मिनट के लिए। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे इसी तरह से छोड़ देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। ढक्कन हटा लेते हैं। मटन में थोड़ा पानी रह गया है, इसे हम सुखाएंगे नहीं। इसमें अब हम डाल देंगे व्हाइट पेस्ट जो हमने रेडी करके रखा हुआ है, साथ ही साथ इसके डाल देंगे 1 चम्मच भरकर कसूरी मेथी। नमक टेस्ट कर लेंगे इस टाइम पर, अगर नमक कम है तो इसमें और नमक डाल सकते हैं। अब इसे हम चलाते हुए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए। अच्छा सा इसमें बॉईल आ गया है, बस इसी टाइम पर अब हम इसमें डाल देते हैं 1/4 कप भरकर फ्रेश क्रीम। आप अपने घर के दूध की मलाई भी डाल सकते हैं इसमें। मैं इस ग्रेवी में अभी पानी नहीं डाल रही हूँ, व्हाइट मटन की ग्रेवी थोड़ी थिक होती है, लेकिन आप अगर चाहें तो इस स्टेज पर इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अब मिक्स कर लेते हैं सभी चीजों को। क्रीम डालने के बाद ग्रेवी को बस हमें पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। फिर से चलाते हुए इसे पका लेंगे, धनिया के पत्ते सॉफ्ट हो जाएं तब तक इसे पकाएंगे। जैसे ही क्रीम अच्छी तरह से ग्रेवी में पक जाएगा इसका तेल सेपरेट होने लगेगा, ये देखें इस तरह से। बस अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे तो ये हमारा व्हाइट मटन कोरमा बनकर रेडी हो गया है। इसे अब हम डिश में सर्व कर लेते हैं। आप इसे सर्व कर लीजिए पराठा, नान, कुलचा या फिर जीरा राइस के साथ। बहुत ही टेस्टी और मजेदार रेसिपी बनती है, बनाना भी इसे काफी आसान है। तो जरूर ट्राई करें ये रेसिपी। रेसिपी अच्छी लगी तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और इसी तरह की मजेदार और आसान रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।